बेटा आज आपको मैं बताने वाली हूँ चैप्टर 4 का पेज नंबर है आपका 33। पेज नंबर 33 में अभी तक जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं उन चैप्टर्स के आपका यहाँ पे दिया है सेल्फ असेसमेंट। उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको करना है अपना इस क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आपको क्वेश्चन समझने हैं, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा है उतना आपको बताना है। सूरज के आने पर क्या होता है, सही चित्र पर टिक करिए। चमकते हैं, चहचहाती हैं, खिलते हैं, सो जाते हैं। तो सबसे पहले चमकते हैं तारे, तो नहीं चमकते हैं, चहकती हैं चिड़िया, चहचहाती है, सही है, टिक करिए। खिलते हैं फूल खिलते हैं, टिक करिए। सो जाते हैं, नहीं सोते हैं, तो सुबह उठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, ओके। एक शब्द में उत्तर दीजिए। आंखें नीचे कौन खड़ा था, वृक्ष। पेड़ के ऊपर चिड़िया ने क्या बनाया था, घोंसला। कौन अपनी चोंच से कीड़ा उठा कर लाई, चिड़िया। रानी मुर्गी के कितने चूजे थे, 4, ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चे क्या देखकर दूर से भागे, बच्चे बस देखकर दूर से भागे। चींटी ने चिड़िया से क्या वादा किया, चींटी ने चिड़िया से वादा किया कि वो उसकी मदद करेगी, ठीक है। आभा और अंकुर के घर के पीछे क्या था, आभा और अंकुर के घर के पीछे चिड़िया का एक घोंसला था। बिल्ली चूजों के लिए क्या लाई थी, बिल्ली चूजों के लिए क्या लाई थी, बिल्ली चूजों के लिए कहती है मैं चूजों के लिए मिठाई लाई हूँ, तो बिल्ली चूजों के लिए मिठाई लाई थी, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य बनाइए। चित्रों के नाम लिखने हैं, एक है सूरज, सूरज यहाँ पे लिखना है, फिर चींटी लिखना है, और इसके बाद में वाक्य बनाना है। सूरज सुबह सुबह चमकता है, चींटी बहुत मेहनती जीव है, ऐसे लिखना है। चींटी बहुत मेहनत करती है, भी लिख सकते हैं, चींटी बहुत मेहनत करती है।